यूं तो मध्य प्रदेश का नीमच जिला कई धार्मिक स्थलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और सूफी संतों की तो यहाँ पर जो मज़ारें बनी हुई हैं, अद्वितीय, कल्पना से परे मज़ारें जो बनी हुई हैं, ये नीमच शहर के जस्ट नज़दीक में आस्थान औलिया हज़रत चांद शाह वली सलाम की दरगाह बनी हुई है और अद्वितीय, कल्पना से परे इसकी अद्भुत कलाकृति। ये हमारी सूफी संतों की परंपरा को की सच्चाई की कहानी कह रही है और सूफी संतों की जो वाणी थी नीमच शहर में, जो धर्म संभाव और धार्मिक सद्भाव के कारण आज ये सर्वधर्म स्थान है और बहुत ही सम्मानीय दृष्टि से इस धार्मिक स्थल को माना जाता है। इसके निर्माण और इसकी जो वास्तुकला है वो ऐतिहासिक मापदंडों के तहत बनी हुई है। आज इस मजार के ऊपर भूमाफियाओं की नज़र पड़ चुकी है। नीमच के जो भूमाफिया हैं वो अब इस धार्मिक स्थल को, पवित्र धार्मिक स्थल को, सर्वधर्म का जो स्थल है उसको नेस्ताबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और नेस्ताबूत करने का प्रयास इस तरीके से कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक जल भाव क्षेत्र है उसको रोक दिया जाए, जिससे उस जल भाव, प्राकृतिक जल भाव को रोकने से जो उसका पीछे का जो पानी आएगा उससे ये धार्मिक स्थल की जो नींव है वो कमज़ोर हो जाएगी और वो स्वतः धराशायी हो जाएगा। धीरे 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 इसकी जो निर्माण जो वो क्षमता है वो कमज़ोर करने की साजिशों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। आज जो जल भाव को रोका गया है वो प्रशासन के सहयोग से किया गया है, उसका क्या कारण है? यहाँ पर प्राकृतिक जल भाव को रोकने का कारण क्या है भूमाफिया द्वारा? क्यों? इसलिए कि उसकी उस विपरीत दिशा में, सड़क के विपरीत दिशा में उसकी कॉलोनी है, वहाँ पानी भरता था। आज ये स्थिति है कि उसने 6 पाइप डाल दी हैं और 6 पाइप डाल के इस प्राकृतिक जल भाव को रोकने की साजिश की गई है ताकि पानी बैक वाटर आए, नाले का पानी पूरा इस जो धर्म स्थल है, जो कि मजार है, उसके अंदर तक पानी भरा रहे और इसकी नींव कमज़ोर हो जाए और नींव कमज़ोर होने से इसका जो, और ये उसकी साजिश है और उसमें प्रशासन सहयोग दे रहा है और प्रशासन का सहयोग देने का एकमात्र कारण है कि वो भूमाफिया की गोद में बैठा है। क्या सूफी संतों की इस धार्मिक स्थल को नेस्ताबूत करने की साजिशों का पर्दाफाश हो जाने के बाद जिला प्रशासन नीमच भूमाफिया के जो द्वारा डाले गए पाइप हैं, जल भाव को जो रोका गया है उसको हटाने का प्रयास करेगा? और यदि नहीं करता है तो नीमच में कभी भी दंगे होने की संभावना हो सकती है और दंगे का जिम्मेदार भूमाफिया के साथ साथ पूरा जिला प्रशासन रहेगा।